बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अभी पटना एयरपोर्ट से केरल के लिए रवाना हो रहे हैं। बता दें आपको कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए केरला पहुंचेंगे। बता दें आपको कि वहां पर एक पार्टी है जिसके 4 विधायक हैं और वो चारों विधायक जो है वो आरजेडी में विलय करने वाले हैं, और उसी कार्यक्रम को लेकर जो है वो तेजस्वी यादव केरल के लिए रवाना हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है वो राजधानी पटना का जो एयरपोर्ट है, स्टेट हैंगर है, वहाँ से जो है वो मुख्य तेजस्वी यादव रवाना हो रहे हैं। तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, जहाँ पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रवाना होते हुए नज़र आ रहे हैं। और बता दें आपको कि लगातार पार्टी की बैठक में तेजस्वी यादव शिरकत कर रहे हैं। इन दिनों पार्टी की अगर बात की जाए तो वो पहुँचे थे सहरसा। सहरसा में जाकर उन्होंने युवा राजद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के कई नेताओं को संबोधित किया था, और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को लगातार धारदार और मजबूत बनाने की कोशिश में तेजस्वी यादव हैं। और ऐसे में ही आज केरल के लिए वो रवाना हो रहे हैं। पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है वो तेजस्वी यादव जो है यहाँ से रवाना हुए हैं। लगातार जो है वो बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनज़र तैयारियां जोरों पर है, और तमाम पार्टियां अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है। उसी क्रम में तेजस्वी यादव भी जो है वो अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बता दें आपको कि वैसे तो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, लेकिन तेजस्वी यादव सक्षम हैं किसी भी पार्टी में किसी भी चीज़ को लेकर फैसला लेने के लिए, किसी भी बात को लेकर फैसला लेने के लिए। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को जो है वो अधिकृत किया है, और ऐसे में ही अब पार्टी को मजबूत और धारदार बनाने में लगे हुए हैं तेजस्वी यादव। और उसी के क्रम में केरला रवाना हो रहे हैं, और केरल में एक पार्टी के कार्यक्रम से वो गए हैं वहाँ। और चार जो सूचना हमारे पास सूत्रों के हवाले से निकल कर आई है उसमें ये है कि 4 जो विधायक हैं एक पार्टी के, वो पार्टी पूरी विलय करेगी आरजेडी में, और उसी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव शिरकत करने के लिए पटना एयरपोर्ट से स्पेशल विमान से सीधे जो है वो निकले हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो है वो पटना एयरपोर्ट से रवाना हो रहे थे। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।